राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में आज सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। आज चुने जाने वालों में दो केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज के चुनाव परिणामों के साथ ही राज्यसभा में एनडीए ने मनोनीत और निर्दलीय सांसदों के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। राज्यसभा की 12 सीटों के नतीजे कुछ इस तरह आए हैं। इनमें निर्विरोध उपचुनाव में आज जीत हुई है। बीजेपी के 9 सांसद जीते हैं। कांग्रेस का 1, एनसीपी अजीत पवार का 1 और आरएलएम का 1 सांसद जीता है। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। असम से बीजेपी के 2 सांसद हैं, मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली। इसी तरह बिहार की अगर बात करें तो वहां से मनन कुमार मिश्रा बीजेपी के और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उनका चयन हुआ है। किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन बीजेपी से मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए। धैर्यशील पाटिल बीजेपी से महाराष्ट्र से और नितिन पाटिल एनसीपी अजीत पवार से राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से आए हैं। उड़ीसा से ममता मोहंता बीजेपी के लिए राज्यसभा से निर्वाचित हुई हैं और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के लिए राजस्थान से चुने गए हैं। त्रिपुरा की बात करें तो वहां से राजीव भट्टाचार्य जी बीजेपी के लिए चुने गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना में कांग्रेस के खाते से आए हैं। और इस तरह से राज्यसभा में सरकार को बहुमत लगता है कि मिल गया है। बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। एनडीए की संख्या राज्यसभा में बढ़कर 112 हो गई है। 245 सदस्यों का राज्यसभा है, जिसमें कि अभी 8 सीटें खाली हैं, जिनमें 4 जम्मू कश्मीर की हैं और 4 मनोनीत की सीटें हैं जो कि खाली हैं। यानी राज्यसभा में अभी बहुमत का आंकड़ा 119 का है। इसमें एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन मिला हुआ है। इस तरह एनडीए बहुमत के आंकड़े यानी 119 पर पहुँच चुका है। यानी अब बीजेपी को बिल पास कराने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएडीएमके पर सरकार निर्भर हुआ करती थी। उधर कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है। उसकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राज्यसभा में सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 26 से बढ़कर 27 हो गई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए 25 सांसदों की जरूरत होती है।